हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ सुबीर और आपका स्वागत है आपका फेवरेट आर्ट चैनल द विंची ड्रीम में। हाँ दोस्तों, ठीक ही देखा आपने थंबनेल में। आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप आपका लो क्वालिटी का पेपर इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ ट्रिप्स अप्लाई करके और कुछ मटेरियल उसमें ऐड करके। दोस्तों, टेक्निक बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये टेक्निक मैं एक साउथ अफ्रीकन आर्टिस्ट से सीखा हूँ। दोस्तों, आप जाके उनका आर्ट देख सकते हैं एंड उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी और हाइपर रियलिस्टिक आर्ट ड्रॉ करते हैं, पेंसिल आर्ट। एंड आप जाके उनका चैनल भी देख सकते हैं, उनका नाम है जोनल ड्राई एंड उन्होंने बहुत परफेक्शन के साथ ड्रा करते हैं। उनका एक एक ड्राइंग में उन्होंने टाइम देता है 400 hours और 300 hours। सो आप आर्ट देख के ही समझ सकते हैं कितना हार्ड वर्क उन्होंने सारे ड्राइंग के ऊपर दे रहे हैं। सो ज़्यादा बात बोलते ना भैया, हम लोग बात करेंगे टिप्स के बारे में। दोस्तों, कोई भी आर्ट पेपर का क्वालिटी उसका कॉटन का परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना परसेंटेज कॉटन है। अगर कॉटन का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसका क्वालिटी बहुत ही हाई है पेपर का, एंड अगर लो है तो उसका क्वालिटी पेपर का क्वालिटी लो है। दोस्तों, इस टेक्निक का अप्लाई करके पेपर का क्वालिटी कुछ हद तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस टेक्निक को हाई क्वालिटी पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे कि किस तरह से इस टेक्निक को आपको फॉलो करना है। दोस्तों, पहले आपको लेना है एक आर्ट पेपर एंड उसको चिपका देना है मास्किंग टेप यूज़ करके आपका बोर्ड के ऊपर, एंड देन लेना है थोड़ा सा वाटर लेना है एंड उसका ऊपर ऐड करना है, एंड बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाने के बाद उसको रखना है सनलाइट में। सनलाइट में आते हुए वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन पेपर का अंदर जो मॉलिकुलर गैप था वो अच्छे से बन पा जाएगा। के बाद उसके ऊपर जब आप चारकोल और पेंसिल यूज करेंगे, देन पेंसिल और चारकोल का जो डस्ट है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा पेपर में। सो इस तरह से आप आपका ड्रॉइंग का क्वालिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। को आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चाहे तो आप हाई क्वालिटी पेपर में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, एंड सेकंड आप लो क्वालिटी पेपर में यूज करके, इस टेक्निक का यूज करके आप पेपर का क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, एंड आप ऑब्वियसली आपका ड्राइंग क्वालिटी भी इससे बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। एंड थर्ड वन, नॉर्मली हम लोग कोई भी पेपर को रोल करके रखते हैं, देन इस टेक्निक को अप्लाई करके आप इजीली उसको फ्लैट बना सकते हैं। दोस्तों, यही था कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छा लगा तो इस टिप्स को आप अप्लाई कर सकते हैं आपका आर्ट में एंड आपका आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। दोस्तों, कमेंट करके बताइए इस टेक्निक को यूज़ करके आपका हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, एंड और भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए, एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड पे जो नोटिफिकेशन बटन है वो भी क्लिक करके रखिए, उससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। सो आज चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।